फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि कुमार। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। टुडे माय टॉपिक इज विजिट वीज़ा इन सिंगापुर। आज का जो टॉपिक है विजिट वीज़ा के ऊपर है, जो सिंगापुर में विजिट करने के लिए आते हैं और उनके पास थोड़ी क्वेरीज थी, मेरे पास कमेंट्स आए थे, सो मैं उसी टॉपिक को आज क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, काफ़ी लोग जो हैं वो विजिट वीज़ा सिंगापुर में आना चाहते हैं और उस जरिए जॉब फाइंड करना चाहते हैं। सो मैं आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूं। सो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नया हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो उन दोस्तों में शेयर कर दो, फैमिली ग्रुप में शेयर कर दो जो सिंगापुर में विजिट करके अपना वर्क परमिट लेना चाहते हैं या कोई एस पास या एम्प्लॉयमेंट पास गेट करना चाहते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट अपना देखना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, विजिट पास से वर्क परमिट लेना, एम्प्लॉयर ढूंढना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा पर आते हैं तो आप कैसे आए, मैं बताने वाला हूँ कैसे। देखो, सिंगापुर का जो विजिट वीज़ा मिलता है वो मैक्सिमम 2 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो उसकी किसी कंट्रीज़ की 3 महीने की होती है और किसी कंट्रीज़ की अप टू 6 मंथ होती है। सो सिंगापुर की जो ड्यूरेशन है वो है 2 महीने की है मैक्सिमम। आप 2 महीने से ऊपर वीज़ा एक्सटेंड नहीं करा सकते। अगर आपको विद इन 2 मंथ्स में कोई एम्प्लॉयर आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढें। सबसे पहले आपको इन इंडिया में और किसी आप कोई सी कंट्री में रहते हैं, चाहे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप वहाँ से ऑनलाइन एम्प्लॉयर सर्च करें स्ट्रेट टाइम। एक न्यूज़पेपर है सैटरडे का आता है, आप गूगल से जाके उसको पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट आते हैं, उसमें काफ़ी कंपनीज़ की डिटेल्स आती हैं। आप उसको ईमेल करें, पहले फ़िक्स कर लें अपना इंटरव्यू। अगर आप सिंगापुर में आने से पहले आप काफ़ी जो सोशल वेबसाइट्स हैं उस पर अप्लाई करें, पहले डेट फिक्स कर लें इंटरव्यूज़ की और उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप सिंगापुर में विजिट वीज़ा पर आ सकते हैं, ताकि उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे तो आप क्लियर फिजिकली इंटरेक्शन होगा एम्प्लॉयर के साथ, आपको पता सारा डिस्कस हो जाएगा आपका स्किल के हिसाब से, आपकी सैलरी के हिसाब से, आपका परमिट के हिसाब से। सो ब्लाइंडली ना आए विजिट वीज़ा कि हम इधर आ जाएंगे विजिट वीज़ा पे और एक एक करके एम्प्लॉयर ढूंढ लेंगे जो लिटिल इंडिया में है या किसी तंजम पगार में है। बहुत से इधर जंक्शंस हैं जहाँ एम्प्लॉयर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट स्ट्रेट आपको नहीं मिलते। तो उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और अपॉइंटमेंट पर कैसे लें, सो ये जरिया है कि आप सैटरडे को इधर स्ट्रेट टाइम आता है, वहाँ जॉब वैकेंसी काफ़ी सारी आती हैं, तमिल न्यूज़पेपर भी है, आप गूगल में जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं, स्ट्रेट टाइम्स और तमिल न्यूज़पेपर है और कुछ सोशल वेबसाइट्स हैं जो सिंगापुर के रिलेटेड के ऊपर जॉब डालती रहती हैं। आप पहले वहाँ से कंपनीज से कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनीज को मेल कर सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ सिंगापुर सर, मैं इंटरव्यू दूँगा। सो ऐसे कुछ फिक्स कर लें इंटरव्यूज़, किस एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कर लें कि सर आई विल कम इन दिस डेट इन सिंगापुर, सो वी विल फिक्स फॉर आवर इंटरव्यू फॉर गेटिंग द जॉब। सो आप पहले ये अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लें, आप इंडिया से हैं या कहीं से भी हैं, ठीक है, ये आपको फ़िक्स करनी है, मेल करना है उसको, कॉन्टैक्ट नंबर लेना है उसको, डेट फिक्स करनी है और अपने रिज्यूम्स और डॉक्यूमेंट्स उसको सेंड करने हैं और बात करनी है पहले, उसके बाद सिंगापुर में विज़िट करने आना है। अगर विज़िट करने इस तरह से आते हो तो आपके चांसेस हैं जॉब लेने के, अगर ब्लाइंडली आते हो तो आपके बहुत टफ होता है, क्योंकि 2 महीने में 60 दिन होते हैं काम करने के। अब 60 दिन में आपको पब्लिक हॉलीडेज, स्कूल मीस 15-20 दिन तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे अगर एक ही महीना मिलेगा आपको एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए। कभी एम्प्लॉयर भी फ्री नहीं होता है, कभी टाइमिंग मैच नहीं होती है, सो काफ़ी कम टाइम रह जाता है एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए और जॉब ढूंढने के लिए। सो मेरी आपसे एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप सिंगापुर में विजिट वीज़ा आएँ और जॉब के पर्पज़ से आ रहे हैं तो पहले आप अपना कन्फर्म इंटरव्यू कर लें थ्रू इन इंडिया योर ऑन कंट्रीज़। अब जो मैंने कुछ स्टेप्स हैं आप देख सकते हो, पहले फिक्स करो सैटरडे का स्ट्रेट टाइम्स हमेशा जॉब्स के लिए अवेलेबल रहता है, आप वहाँ से पहले डाउनलोड कर लो, उसमें देख लो, कॉल करो, ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, जो भी जरिया है कम्युनिकेशन का आप कम्युनिकेट करो, इंटरव्यू फिक्स करो, आप सिंगापुर में आके इंटरव्यू दो, जब आपका रिजल्ट कुछ प्रोग्रेस बनेगी और चांसेस हैं आपका वर्क परमिट लेने में और जो भी एम्प्लॉयमेंट पास एस पास लेने में, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है आप डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं, आपको वर्क परमिट जो विजिट वीज़ा होता है आपको अपनी ऑन कंट्री में एक्सेप्ट होना पड़ता है और वेटिंग फॉर योर अप्रूव्ड आईपी कॉपी वट एवर यू रिसीव एस पास वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट पर, उसके बाद आप आके इधर सिंगापुर में अगेन इमिग्रेशन पर करके आपका मेडिकल होगा कुछ दिनों बाद और आपका परमिट कार्ड बनेगा
एम्प्लॉयमेंट पास बनेगा, कार्ड बनेगा, एस पास बनेगा, उसके बाद आप सिंगापुर में फ्रीली जॉब कर सकते हो। यही एक जरिया है बेस्ट वे टू फाइंड जॉब ऑन द विजिट वीज़ा। सो ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।